अब आया क्रस्टेशियन से आर्गोनोसिस लर्मियोसिस को, ये नीचे वाला आर्गोनोसिस नहीं होता है, ये पैरासाइट से होने वाला, ये कीड़ा मकोड़ा से होने वाला है, इसको मछली का ढील बोलते हैं। और आर्गोनोसिस से जो बीमारी होता है उसको आर्गोनोसिस फ्लाउस बोलते हैं। जैसे मवेशी का ठोरबा होता है, देखिए ना मवेशी का ठोरबा से आदमी का भी ढील होता है, इसको भी आप नेकेड आंख से देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है 0.5 से 0.8 सेंटीमीटर का जो है वो दिखता है उसमें, और वो धूप लगेगी तो खुशबूदार के ऊपर आएगा। तो इसको पहचाने के कैसे कि आर्बुलस हो गया, एक तो आंख से भी देख सकते हैं, जहां जहां ज्वाइंट है लगा के देखिए, जब भी जाल चलाते हैं तो एक साथ गलखाड़ा उखाड़ा सब देख लेना चाहिए बढ़िया से, और जाल चलाने के बाद एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए बात की, क्योंकि मछली जब आ गई है गोलिया गई है तो पोटासियम परमेंगनेट या नमक से एक बार स्नान कराते छोड़, तो इसको बता देने से स्नान करा सकते, लेकिन बड़ा फीड है 10-10 फीट है, 1 एकड़ में है, उसको कैसे स्नान करा सकते हैं? 1 एकड़ में है, 4 एकड़ में जाल चला के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जब लाते हैं आपको जाल में रहता है उस समय बातचीत, तो सब नहीं पकड़ाता है सर, जितना पकड़ा गया उतना हो गया, अगला महीना में दूसरा पकड़ाएगा। वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन में हर महीने में जाल चलाने का कंसेप्ट है, पंगे से जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास कैसे क्या उसको साइड लाके सब चीज कैसे साइड लाके यूट्यूब के माध्यम से क्या जब पूरा कंसेप्ट दिखाएंगे। तो ये जो है इसको पहचानने का 3 बेसिक क्राइटेरिया है। नंबर 1, ये अगर पकड़ लिया मछली में कीड़ा अगर पकड़ लिया जाए आर्बुलस तो असमय उछल कूद है। मेरे सामने अगर आप तालाब खेल जाइएगा तो देखिएगा मछली असमय उछल कूद मचाएगा, उल्टा करेगा। दूसरा, शरीर के ऊपर अत्यधिक लसलसा पदार्थ का स्राव। और तीसरा, ये भी तालाब के किनारे के शरीर घसता करेगा, कुछ छूट जाए। जैसे मवेशी अपने खुट्टा में रगड़ते रहता है, आम के पेड़ में रगड़ते रहता है, गर्दन कान को घर झड़ जाए कुछ होता, उस तरह से आपको ये भी तालाब के किनारे आकर के रगड़ा लेगा, या फिर सॉलिड मटेरियल कहीं देखेगा, लकड़ी कलची, तो उसमें रगड़ा लेकर के छुड़ाने का। और ऐसा अगर है तो पहले लोग मटिया तेल वगैरह डीजल वगैरह डालते थे, 20-25 kg वाले करते थे। अब मार्केट में ऐसी कोई भी दवा जिसके एक्टिव कंपोजिशन में 10% साइपरमेथिलीन होता है वो इस बीमारी को कंट्रोल करता है 80 से 100 ml/acre में। मार्केट में अलग अलग 10% साइपरमेथ्रिन बेस्ड दवा इस बीमारी को कंट्रोल करता है 80 से 100 ml/acre के दर से। सावधानी क्या है, धूप रहने पे 10 से 2 बजे के बीच में देना चाहिए, क्योंकि वीक पेस्टिसाइड है, घुलनशील ऑक्सीजन मिलाता है। शाम करके देंगे तो कुछ मछली बढ़ जाएगी। ओवर डोज कभी नहीं देना है, उस रोज भोजन नहीं देना है, और ये तब देना है जब आपके तालाब में खाद गोबर डालने का समय आ रहा हो। खाद गोबर डालते हैं प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए, इसको डालिएगा तो प्राकृतिक भोजन में कीड़ा को मारेगा, प्राकृतिक भोजन को छोड़ देगा, सच नहीं उसको भी डैमेज करेगा। तो खाद गोबर में क्या आएगा, खर्चा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका टाइमिंग ये होना चाहिए जब हमको खाद गोबर डालने का समय है, उससे 1 दिन पहले डाल देंगे, 24 घंटा में इसका असर खत्म हो जाता है। ये सब सावधानी बरतना है। ओवरडोज कभी नहीं, ओवरडोज दीजिएगा तो मछली ऊपर आएगी, ऑक्सीजन का कमी होता है। दिखता कैसे है ये देखिए, यही ये जो दवा है यही अलग अलग साइपरमेथ्रिन में दवा है, टेनिक्स है, बायोमेथ्रिन है, ब्यूटॉक्स है, क्लीनर है, टीक आउट है, वेटनरी में मिल जाएगा। ब्यूटॉक्स, क्लीनर, अलग अलग पेंट जैसे क्लीनर बिलवेट का है, ब्यूटॉक्स इंटरवेट का है, टेनिक्स इंटास का है, टीक आउट एलर्जिक फार्मा का है। तो ये इस सबका उपयोग करना है। ये ऐसा दिखता है, इस तरह का दिखता है। क्लीनर, टीक आउट, टेनिक्स डिटेक्शन भेज देंगे, हिंदी वाला भेज देंगे। प्रेजेंटेशन कहेगा, प्रेजेंटेशन भी आपके पास चलेगा। यार बोला ऐसा ही दिखता है शरीर पे, करके जहां जहां ज्वाइंट है पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको फिश स्लाइस करते हैं, मछली का जूम बोलते हैं। देखिए कैसे पकड़े हुए हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब पकड़े हुए हैं। जहां जहां जो जो को ये उस दिखाई दे रहा है सब पकड़े हुए हैं, इसको लेकिन हाथ से देखा जा सकता है, लेकिन कैसे तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसे मछलियों में बढ़ती नहीं है, लेकिन प्रति एकड़ जो साइंटिफिक रिसर्च बताता है 2 क्विंटल का 1.5 क्विंटल का रास्ता आपको होगा जो आपको पता नहीं चलता। तो ये नहीं आना चाहिए। लोग स्पान डालता है, नर्सरी की तैयारी करता है तो स्पान डालने से पहले भी कीड़ा मकोड़ा को साफ करने के लिए, जलीय कीड़ा मकोड़ा को साफ करने के लिए इस दवा का पहले मटिया तेल का उपयोग किया जाता था और इस दवा का उपयोग किया जाता है। नर्सरी मैनेजमेंट में भी, हैचरी में भी, हाँ नर्सरी मैनेजमेंट में भी पहले स्पान डालने से 24 घंटा पहले कम से कम 80 ml से 100 ml पर एकड़ क्लीनर टीकाउ जो भी दवा उपलब्ध है, कोई ना कोई दवा वेटनरी की दुकान में जरूर मिल जाएगा, उसका प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद में 400 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट माटी को साझा करके आप नया स्पान डालिए, क्योंकि स्पान में 72 घंटे का बीज होता है। तो आपको पानी छोड़ करके कुछ नहीं रहना चाहिए, प्राकृतिक भोजन और पानी ये अपने यहाँ नहीं है। ये लार्वियोसिस, इसको एंकर वर्म बोलते हैं। देखिए लग ऐसा फूक के तरह लगे कि समूचे शरीर में कांटी के तरह रोक दिया है, छोटा छोटा पिन बोल दिया है। आशा उसको खींचेगा तो अंदर तक 1 इंच 1.5 इंच शोर होता है उसको, इसीलिए इसको एंकर वर्म का फूक वर्म जैसे एंकर वर्म कहा गया है। ये कैसे पकड़े हुए हैं, और ये सारी दवा जो आपको मछली के जू में चलता है वो इसमें भी चलेगा। देखिए कैसे पकड़े हुए हैं, यहाँ पकड़े हुए हैं। उस सारे एक्स्ट्रा में ही गैमेक्सी 1 मिलीग्राम पर लीटर या डायलॉक्स डिप्टेक्स 0.2 मिलीग्राम पर लीटर की दर से छिड़काव करने से कंट्रोल हो रही है। अब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी में 3 बीमारी कॉमन है। ड्रॉपसी, जिसको बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया भी बोलते हैं, या शरीर फूलने की बीमारी आपकी भाषा में, इसी में पेट फूलता है जो आपको दिखाई नहीं। दूसरा है पंख पूंछ सड़ने की बीमारी, और तीसरा है आंख सड़ने की बीमारी। आंख सड़ने की बीमारी में बैक्टीरिया द्वारा आंख सड़ने की बीमारी, क्योंकि आंख का बीमारी 2 तरह का होता है। एक आंख बाहर निकल जाता है, वो विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं उसके वजह से, और उसकी कमी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुआ। विटामिन B6, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन की कमी से रतौंधी होता है, और 6 की कमी से आपको आंख शरीर के प्रोपोर्शन में बढ़ा दिया है, उसको मेडिकल की भाषा में एब्सॉप्थैल्मिया कॉपिंग ऑफ आई। तो यहाँ बैक्टीरियल आईडिस में क्या होता है कि आंख पहले क्लाउडी होगा, फिर लाल होगा, फिर सर जाता है। तो ये ड्रॉप्सी जो है, ड्रॉप्सी जो होता है 2 तरह का बैक्टीरिया है, एरोमोनास पक्टेटा और एरोमोनास हाइड्रोफिला, जिसके वजह से होता है। इसमें शरीर के अंदर का जो बर्फ पदार्थ है बाहर नहीं निकलते, शरीर में ही घर बना लेता है। इसके चलते शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट जो उदर है वो खुल जाता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे जितने वेनस सिस्टम है, रक्त धमनियां हैं, सब चित्र। तो ऐसा अगर है देखिए, ये आपको ड्रॉप्सी है, ये ड्रॉप्सी है। कॉमन टाइप का पेट भी ऐसा खुला रहता है, तो अंतर क्या है, बीमारी से खुला रहेगा तो पेट पूरा रेडिश हो, रेडिश दिखेगा खुला हुआ पेट। यही एरोमोनास स्पीशीज है जिसके वजह से ये बीमारी होता है, और ये बीमारी लग गई। तो तीनों बैक्टीरिया डिजीज में एक दवा तो कॉमन है जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, और उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सबसे ऑलमोस्ट सारी कंपनी बनाती है, लेकिन फाइजर का 1 नंबर पे एंटीबायोटिक में 1 नंबर की कंपनी बनी है। जैसे कि ये दास का आपको इसका आपको टैबलेट इंडिया लिमिटेड का एमओएस का इंटास का बीपी, और इसका दवा जो है बीपी, और एक और किस चीज का दवा। तो हर कंपनी का अपना अपना कुछ ये होता है। तो फाइजर हाँ, फाइजर का जो है एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, और ऐसे आपको किसी भी अच्छी कंपनी का आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आधा ग्राम से 1 ग्राम प्रति किलो भोजन में 5 दिन तक या तालाब में देना है तो 1000 केजी मछली पे 50 ग्राम से न्यूनतम से लेकर अधिकतम 6 ग्राम तक 5 दिन तक शरीर पानी में भोजन, तब जाकर के बैक्टीरियल डिजीज में 1 दिन दवा खिलाने से नहीं ठीक होगा। हम आपको भी बैक्टीरियल डिजीज बताता है 1000 पीस पे कितना 1000 केजी मछली पे आप न्यूनतम 50 ग्राम से अधिकतम से 5 दिन तक। ये कौन ट्रीटमेंट हो गया करीटा पानी में हो गया। अब फिर ट्रीटमेंट में आधा ग्राम से 1 ग्राम एंटीबायोटिक 5 दिन, ये 2 तरह से दिया जाता है। दूसरा जो इसको कंट्रोल करने का तरीका है वो पोटासियम परमैंगनेट 1 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम पर यानी पीपीएम बोलते हैं, पावर जो रहता है उसको पार्ट पर मिलियन लिख लीजिए आप। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ग्राम प्रति 1 हजार। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम 1 mg पर लीटर इक्वल टू 1 ग्राम पर 1000 लीटर। कन्वर्सन यही है। अगर 1 ppm दवा का पावर लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ 1000 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो हमने कहा कि ये बीमारी लग गया आपको पेट फूलने की बीमारी बैक्टीरियल हेमरेजिक ड्रॉप्स, और 1 मिलीग्राम पर लीटर के दर से आप पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव करेंगे तो आपके तालाब में बीमारी ठीक हो जाएगी। सिर्फ इतना करने से हम समझ रहे हैं, इसमें से एक व्यक्ति भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे तालाब में पोटासियम परमैंगनेट कितना हो, ये जानना जरूरी है ना। हाउ टू कैलकुलेट डोज ऑफ केमिकल इन पर्टिकुलर तालाब विशेष के लिए तालाब में पोटासियम परमैंगनेट की या कोई भी दवा की मात्रा की गणना हम कैसे करें, उसका एक फॉर्मूला है लिख लीजिए। तालाब में दवा की मात्रा का निर्धारण उसका एक फॉर्मूला है। तालाब में दवा की मात्रा का निर्धारण ब्रैकेट में किलोग्राम या